नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अपनी प्रतिभा से संगीत के क्षेत्र में गांव की बेटी मनीषा ने बनाई अलग पहचान। तेगरा में समय के साथ आए बदलाव का ही नतीजा है कि आज गांव की बेटियां अपनी प्रतिभा के दम पर घर, परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। इन्हीं में एक है तेगरा प्रखंड अंतर्गत पंचायत गौरा दो दनियालपुर के प्रतिभावान बेटी मनीषा पंडित, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जादुई आवाज के दम पर एक अलग पहचान बनाई है। मनीषा के पिता सुधीर पंडित जो किसानी कार्य करते हुए अपने बेटी को शिक्षा एवं कला के प्रति उत्साहित करते रहते हैं। मनीषा ने पढ़ाई के साथ ही संगीत से एक रिश्ता कायम कर लिया। सरकारी विद्यालय से स्कूली शिक्षा लेने वाली मनीषा बताती है कि स्कूल में अपनी गायकी के लिए खूब सराही जाती थी। वर्तमान में RBS कॉलेज त्याय में BA पार्ट 2 म्यूजिक की छात्रा है। आसपास के क्षेत्र एवं अपने गांव के मंदिर में आयोजित होने वाली शिवरात्रि व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में लाजवाब गायक के लिए प्रसिद्ध है। अपने पिता को आदर्श मानने वाली मनीषा को अपने पिता ही संगीत समारोह में लेकर जाते थे और कई ऑडिशंस में प्रतिभाग करने को प्रेरित करते थे। साथ ही रंगकर्मी पुष्पराज के सहयोग के चलते मैथिली एवं हिंदी संगीत में अपने आवाज के बल पर अपनी ख्याति प्राप्ति की है। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीषा पंडित और मेरा घर दनियालपुर तेगरा है और जिला बेगूसराय। बी ए पार्ट 2 में पढ़ते हैं और मेरा म्यूजिक ऑनर्स है और इसी से हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं। जब हम स्कूल में प्रोग्राम किए, जैसे 15 अगस्त हो, इसमें किए स्कूल में, तो बहुत अच्छा सर लोग को लगा। और उसके बाद कॉलेज में भी गाए तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ से सहयोग मिला बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे गांव में ठकुरबाड़ी है, संत जमुनादास ठकुरबाड़ी, उसमें एक बार प्रोग्राम किए, मौका मिला हमें, तो उसके बाद वहाँ से भी वहाँ ठकुरबाड़ी में जब प्रोग्राम किए और एक सहयोग जो हमारे आगे बढ़ाए हैं वो सरमन साज ऑफिशियल जो हैं बिहार के फेमस सिंगर, उनके छोटे भाई पुष्पराज जी, वही हमको आगे बढ़ाए। उन्हीं के साथ हम प्रोग्राम करते हैं और चुनाव प्रचार हो, जैसे सब प्रोग्राम में ही हम जाते हैं उन्हीं के साथ। सबसे बड़ा ये है कि हमारे पापा मम्मी, हमारे फैमिली और गांव वाले भी सपोर्ट, ऐसे तो कोई देते नहीं है सपोर्ट इस लाइन में, लेकिन हमें अपने फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और हम इसी लाइन में रहना चाहते हैं और सिंगिंग ही करना चाहते हैं और म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं। हमारे ठकुरबाड़ी में अब जो भी प्रोग्राम हो, जैसे जन्माष्टमी और शिवरात्रि, इसमें सिर्फ हम ही करते हैं और हमारे पापा का नाम श्री सुधीर पंडित है और वो पेड़ पौधा का बिजनेस करते हैं, यही करके हमको इतना आगे बढ़ाए। हमारी सिस्टर हैं, दो सिस्टर हैं, एक भाई है और उनका भी शादी हो चुका है और भाई बच्चे हैं और सभी को वो पापा पढ़ाते हैं। आपको एक मैथिली गीत सुनाती हूँ। ए पहुना यही मिथिले में रहुना, ए पहुना यही मिथिले में रहुना, जाने झूठ कहते